संपूर्ण धरती रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं प्राकृतिक के खूबसूरत नज़ारे हैं तो कहीं पर प्राकृतिक जोखिम भरे स्थान, जैसे कि ज्वालामुखी, ऊंचे व भयानक पहाड़, खतरनाक समुद्री क्षेत्र। लेकिन हम किसी प्राकृतिक अजूबे की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे तो दुनिया में कई तरह की भूतहा, खतरनाक, रहस्यमय और रोमांचक जगह स्थित हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा और न ही उस स्थान को कभी देखे होंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही 6 रहस्यमय जगह के बारे में। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो आप तक जल्द प्राप्त हो। नंबर 1, स्नेक आइसलैंड, ब्राजील। ब्राजील के साओ पालो द्वीप के एक तट का नाम है स्नेक आइसलैंड, हालांकि यह इसका निक नेम है। इसे इल्हा डी क्विमांडा ग्रांडा कहते हैं। यह वाकई एक रहस्यमय स्थान है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहां सांप पैदा हो गए और कब से यह सांप यहां पर इस तरह बहुताय में रह रहे हैं, यह निश्चित ही नहीं एक रहस्य बनकर रह गया है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते ही हैं। यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। और बता दें कि ये जो सांप है वह किसी को काट ले तो आदमी की 10 से 15 मिनट में ही मृत्यु हो जाएगी। संपूर्ण ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यहाँ के ही सांप जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में ब्राजील की नेवी ने लोगों को यहाँ घुसने पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। नंबर 2, सुसाइड फॉरेस्ट, ओकिधारा, जापान। आत्महत्या करने के लिए यह दुनिया की सबसे कुख्यात जगह है, जहां 2002 में ही 78 लोगों ने आत्महत्या की थी। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? या इसलिए कि एक प्राचीन विदंती के अनुसार एक बार प्राचीन जापान में जब कुछ लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थे तो उन्हें ओकिधारा के इस जंगल में छोड़ दिया गया, जहां पर उन सबकी भूख से मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वही भूत इस जंगल में आज भी शिकार करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जिन लोगों ने यहां सुसाइड की है उनकी आत्माओं का भी वास है। जापान के ज्योतिषियों का विश्वास है कि जंगलों में आत्महत्या के पीछे पेड़ों पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का भी हाथ है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती रहती हैं। कई लोग जो इस जंगल में एक बार प्रवेश कर जाते हैं उन्हें ये शक्तियाँ बाहर निकलने नहीं देती, और बता दें कि वे उनके दिमाग पर काबू कर लेते हैं और अंततः वे आत्महत्या कर ही लेते हैं। जापान में माउंट फुंजी की तलहटी में बसा ओकिधारा का यह जंगल दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है, जहां सैकड़ों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड के लिए जाते ही रहते हैं। इस जंगल को मूल रूप से स्थानीय जापानी जुकारी के नाम से भी जानते हैं। यहां सुसाइड करने वालों की संख्या का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुसाइड किए गए लोगों की लाशों को हटाने के लिए यहां की स्थानीय पुलिस सालाना अभियान चलाती रहती ही है। लेकिन यहां से सालाना कितनी लाशें बरामद होती हैं, इसका खुलासा कभी नहीं किया गया, इस डर से कि इससे लोगों को और ज्यादा सुसाइड करने की प्रेरणा मिलेगी। सिर्फ एक बार 2004 में यह आंकड़ा घोषित हुआ था, तब यहां पता चला कि यहां लगभग 108 लाशें बरामद हुई थी। सुनने में बहुत ही आश्चर्य लगा होगा, लेकिन यह वाकई सच है। लोगों को सुसाइड से रोकने के लिए पुलिस ने जंगलों में जगह जगह नोटिस बोर्ड भी लगा रखे हैं, जिन पर लिखा है, आपकी जिंदगी आपके पेरेंट्स के लिए एक अनमोल तोहफा है, तथा कृपया मरने का निश्चय करने से पूर्व एक बार पुलिस से संपर्क जरूर करें। नंबर 3, नरक या भूतहा शहर। अमेरिका के बोस्टन के ओहाया के पास एक गांव स्थित है जिसे हेल टाउन कहा जाता है। पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा है। बोस्टन को 1806 में स्थापित किया गया था। 1974 में बिल काउंटिंग में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहां स्थित कई मकानों को भी ध्वस्त किया गया था। इस अफवाह के बाद की सरकार यहाँ रासायनिक पदार्थ छिपा रही है। इस शहर को ऐसे ही छोड़ दिया गया, तभी से यह शहर वीरान पड़ा हुआ है, जिसके चलते इसके नरक का शहर होने की अवधारणा प्रचलित हो गई। अब लोग यहां जाने से डरते भी हैं। स्थानीय क्विदंती के अनुसार यह एक शैतान का गांव है। नंबर 4, फ्रेंच कैट कॉम्ब्स। पेरिस में जमीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइन की गई यह जगह कब्रों का
तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडी को संजोया गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब 2-2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। यह भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। और बता दें कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटकोम्बा लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद है। इस कैटकोम्ब को बहुत लोग देखने भी आते हैं। नंबर 5, गुड़ियों का द्वीप। मैक्सिको सिटी से यह लगभग 2 घंटे की सफर की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से भी डरते हैं, क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़ियाएं पेड़ों से लटकी हुई है, जो हर किसी को घूरती नजर आती हैं और जिन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि जान जूलियन संताना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे और उन्हें अकेला रहना भी अच्छा लगता था, पर वहीं किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्ची की लाश मिली, जिन पर जूलियन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गए। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उबरने के लिए वे पूरे द्वीप पर जगह जगह डाल्स को तब तक लटकाए रहे हैं जब तक कि वे मर नहीं गए। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। जूलियन को मरे 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ लोग रोमांच की तलाश में आते ही है। नंबर 6, हाशिमा आइसलैंड। यह वीराना आइसलैंड जापान में है। नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आइसलैंड को भी भयानक माना जाता है। इसे 1890 में मृत्यु बीसी कॉर्पोरेशन ने अंडर वाटर कोल माइनिंग के लिए भी खरीदा था। इस दौरान एक्सीडेंट और बेकार रहन सहन के चलते यहां हजारों कैदियों की मौत हो गई। इस वजह से 1974 में इसे बंद भी कर दिया गया। 35 साल बाद 2009 में फिर से इसे दर्शकों के लिए खोला गया। इसी वजह से इस जगह को जापान की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।